ने टॉस जीता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत ने टॉस जीत लिया है। टॉस जीत कर क्या फैसला लिया है रोहित शर्मा ने, ये लक तो आज हमारे फेवर में चला गया है। रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया है। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट जो आ रही है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से, वो ये है कि भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। तो इसका मतलब हम लोग पहले पाकिस्तान को न्योता दे रहे हैं, आइए अपना स्कोर खड़ा कीजिए और फिर भारतीय बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी होगी उस स्कोर को चेज करने की। भारत ने, रोहित शर्मा ने इस इम्पोर्टेंट ओपनिंग एनकाउंटर में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। बड़ी खबर इस वक्त मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से। जल्दी से एक बार रुक करते हैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स का। शोएब, पहले फील्डिंग करेंगे रोहित शर्मा, टॉस आपने कहा था क्रूशियल होने वाला है, क्या कहेंगे आप? क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मुझे लगता है बॉलिंग को बचाया उन्होंने अपनी, उनको कॉन्फिडेंस नहीं अपनी बॉलिंग पे, दूसरी बॉलिंग करें। उनको बैटिंग का कॉन्फिडेंस था, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी। अब आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी एनालिसिस करें। मुझे ये समझ आता है कि उन्होंने अपनी बॉलिंग को बचाया, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था और उन्होंने कहा कि मेरी बैटिंग बेहतर है बॉलिंग से, मैं बैटिंग से मैच जीतना मैच जीतने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान के लिए 11 प्लेइंग फील्ड आ गया, मुबारक हो पाकिस्तान को भी, 11 प्लेइंग फील्ड मिल गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान भी दूसरी बॉलिंग करना चाह रहा था, लीजिए मैच ऑन हो गया, मजे लीजिए, अब दुआ कीजिए, आप भी बैठे वहां पे, मैं भी बैठता हूँ, पूरा दिन गया हमारा। मैचेस ऑन, इस पूरे दिन को यहीं पे लगाना था, उम्मीद यही थी, लेकिन अब थोड़े थोड़े बादल भी आ रहे हैं और ठंड बढ़नी शुरू हो गई। मैंने पॉकेट में अपने हाथ डाल लिए है। कैफ, आपका भी रिएक्शन चाहूंगी, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला रोहित शर्मा का, कैसे देखेंगे आप इसे? देखिए, निर्णय ठीक है पर रोहित शर्मा को पता है कि यहाँ ड्यू का एडवांटेज नहीं है चेजिंग में, यहाँ ड्यू नहीं आएगी। ये यूएई नहीं है जो एक मैच भारत जीता था जहाँ हार्दिक पांड्या ने लास्ट ओवर में छक्का मारा था नवाज की बॉल पे, वही एक मैच जीता है भारत पिछले 3 मैचेस में, वर्ल्ड कप मिला लो, 2 एशिया कप के मिला लो, 3 मैच में। तो चेजिंग सही फैसला है, पहला मैच के लिए भारत अपने इस वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया में, फैसला ठीक है। पर रोहित शर्मा को यह भी मालूम है कि जब वो चेजिंग करने आएंगे 150-160 आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ड्यू का फैक्टर नहीं है, वहाँ पाकिस्तान की गेंदबाजी अच्छी है। तो ये दिमाग में है, फैसला ठीक है, आप चाहेंगे कम से कम पे रन पे रोके पाकिस्तान को। मैं कैफ ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आप बेहतर जानते हैं, बैक फायर कर रहे हैं, डकवर्थ लुईस तो दिमाग में नहीं था डिसीजन। सॉरी ब्रीद, एक मिनट, ये बैक फायर करेगा क्या? अच्छा, डिसीजन बैक फायर करेगा। अगर आज रोहित शर्मा मैच हारा ना और टॉस जीत के पाकिस्तान को 11 प्लेइंग फील्ड दे दी उसने, तो पाकिस्तान को उसने चांस दे दिया कि वो बॉलिंग कर ले दूसरी, और ये बैक फायर डिसीजन कर गया, तो ये देखिए बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आने वाला है रोहित शर्मा पे। होपफुली, उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिसीजन का बुरा साबित ना हो। अगर हुआ ये बहुत ज्यादा आपको तो तनकीद का सामना करना पड़ेगा। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय आपने सुनी। शोएब अख्तर कह रहे हैं कि पहले फील्डिंग चुनकर टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा ने जो फैसला लिया ये बैकफायर भी कर सकता है और इसके चलते पाकिस्तान को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी है। अब से कुछ ही देर में कैफ, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ जैसे ही प्लेइंग 11 के ग्राफिक्स चलेंगे आप हमें बता दीजिएगा कि क्या कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं प्लेइंग 11 में भी या ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक बात जो बहुत इस बार हम कॉन्फिडेंस से कह रहे थे इस मैच से पहले, वो ये थे कि एशिया कप की तरह रोज़ नए नए सरप्राइजेज नहीं देखने को मिलेंगे, होपफुली ऐसा ही हो कैफ। जी जी, अब तो टीम देखिए सटल टीम खिलाई है, अब आपने ऋषभ पंत को ओपन करा लिया, दिनेश कार्तिक को भी ट्राई कर लिया, आपने अक्षर को मौका दे दिया, जडेजा वहाँ है नहीं, इंजर्ड है, तो आपको 11 पूरी पता है कि किसको खिलाना चाहिए। आज की मैच में 11 मुझे देखनी कि क्या 11 खेल रही, वो उसका इंतज़ार हो रहा है। पर मेरे ख्याल से ये जो टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय ठीक है पर जो चेजिंग करेगी वहाँ आसान होने वाला नहीं है। आप चाहते हैं पाकिस्तान को 140-50 पर ही रोकें, 160-170 रन पाकिस्तान पहले बैटिंग करके खुश होगा, उनके पास गेंदबाजी है डिफेंड करने के लिए। और अगर टीम की बात करें, टीम सामने आ गई मेरे, मैं आपको बता दूं अश्विन खेल रहे हैं आज के मैच में, अश्विन का एक बड़ा बदलाव है, अश्विन सामने हैं, अर्शदीप सिंह खेल रहे हैं, शमी हैं, अश्विन खेल रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार, अक्षर पटेल, ये तो गेंदबाज हो गए, दिनेश कार्तिक नंबर 6 पे आएंगे, 5 पे हार्दिक पांड्या, 4 पे सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली 3 पे, केएल राहुल और रोहित शर्मा। जो हमने बात की कि 11 लगभग ठीक थी पर चहल को बाहर कर दिया गया है,
चाहल इस टीम में नहीं है, अश्विन को लेके आए। बिल्कुल, वो सरप्राइज आ गया है, वो सरप्राइज एलिमेंट दिखा, क्योंकि शायद बड़ी बाउंड्री है, नवाज का इश्यू है, नवाज लेफ्टी है, वो बड़े मैच विनर बन गए पाकिस्तान के, ये दिमाग में होगा भारत के, इसीलिए उनको खिलाया अश्विन को आज के मैच में। शोएब, ये आप सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से फियरलेस बॉलर है युजवेंद्र चहल। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल उसमें नहीं। यार, मुझे आज बड़ी तब्दीली ये हुई है भारत की तरफ से, युजवेंद्र चहल को ना लेके आर अश्विन को टीम में जगह दी गई है प्लेइंग 11 में। जी कैफ, एक बार प्लेइंग 11 प्ले कर देते हैं। बिल्कुल वही जैसे आपने बात करी कि अश्विन खेल रहे हैं, अक्षर पटेल खेल रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार वहाँ है, शमी और अर्षदीप सिंह ये आपके बॉलर हो गए, छठवें गेंदबाज हार्दिक पांड्या हैं जो नंबर 5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, दिनेश कार्तिक नंबर 6 पे, फिर टॉप आपके टॉप 4 में सूर्य कुमार यादव, 3 पे विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा आपके ओपनर्स, तो ये लगभग सेम टीम है। चहल को हटा के अश्विन को लाया गया। अश्विन देखिए, वही बात है, मोहम्मद शमी और अश्विन दो ऐसे गेंदबाज हैं जो इंडिया के सीम ऑफ थिंग्स में थे ही नहीं, लगातार मैचेस नहीं खेल रहे, वो बाहर थे, लगातार खेले ही नहीं, ये दो गेंदबाज, तजुर्बा है बिल्कुल, कोई शक की बात नहीं है, पर लगातार रिदम नहीं है, लगातार मैचेस नहीं खेल के आ रहे, वो फैक्टर बन सकता है आज के मैच, पर तजुर्बा पूरा है इनके पास। ठीक है, अब मेरे पास पाकिस्तान टीम का भी लाइनअप आ गया है, और जो मेरे को हाइलाइट्स बताए जा रहे हैं और कैफ एक बार वो भी पढ़ देंगे, उन पे ये है कि शान मसूद को जगह मिली है प्लेइंग 11 में। शान मसूद वही प्लेयर हैं जिन्हें नेट्स के दौरान सर पर आकर बॉल लगी थी, खतरा ये था कि कहीं कंकशन ना हो, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, इलाज कराया गया। हैदर अली को टीम में शामिल किया गया है। कैफ, एक बार प्लेइंग 11 पाकिस्तान के भी हम पढ़ देते हैं। जी सामने आएगी तो मैं पढ़ूंगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला, आज जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है हमारी वो तो आर अश्विन की है, आर अश्विन को टीम में जगह, ये हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। लेकिन सामने लेकिन शान मसूद को जी, हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास जो प्लेइंग 11 आया है मैं जल्दी से आपको वो बता देती हूँ। और पाकिस्तान की टीम में है बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान दोनों ओपन करेंगे, शान मसूद, इफ्तिकार अहमद, आसिफ अली, हैदर अली, शादाब खान, उनके अलावा मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह और हारिस राव। शोएब, आपके रिएक्शन, पहले तो इंडियन टीम में जो अश्विन को जगह दी है युजवेंद्र चहल की जगह, और दूसरा पाकिस्तान के लाइनअप पर। शॉकिंग है, शॉकिंग है, वही सरप्राइजेस मिल रहे जो भाई में ये देते जा रहे थे, एक आई डोंट नो पैनिक का सामान क्रिएट करते हैं, खुद ही पता नहीं क्या कर रहे हैं। कैप्टन ठीक का, ये जो लड़के हैं ये तो तजर्बाकार तो हैं, लेकिन फिट भी हैं कि नहीं, लगातार खेल भी रहे हैं कि नहीं, नहीं रिदम में नहीं, अब बहुत सारे नहीं आ जाते हैं यहाँ पे, अब जब ना करते करते अपनी टीम बन जाती है, खुदा ना खास्ता अगर अश्विन को मार पड़ गई, विनिसियन भी बैकफायर कर जाएगा, शामी जो लास्ट मिनट में सोते हुए घर से उठा लाए उनको कि सर आ जाएं वर्ल्ड कप खेलना है आपने, आ जाएं जल्दी से, वो भी बैकफायर कर सकता है। लेकिन देखें, इट्स अ लॉट ऑन रोहित शर्मा, आई फील रियली सॉरी फॉर रोहित के वो यहाँ से निकल जाए, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, अगर ना निकले तो लॉट कैन गो रॉन्ग फॉर हिम, आई कैन टेल यू राइट नाउ लॉट कैन गो रॉन्ग फॉर हिम, बट फॉर पाकिस्तान नाउ फॉर योर सेटिस्फेक्शन आई एम नॉट कम्प्लीटली अग्रीइंग विद माय मल्टीपल ऑर्डर। इफ्तिखार, I always call him Misbah Part 2, वो जो सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट जो आज इंडिया के प्लेइंग 11 में आया है जी, वो है आर अश्विन को जगह देना युजवेंद्र चहल की जगह। और इसका इंडिकेशन मैं ये एडमिट करूंगी कैफ कि हमें नेट्स में भी नहीं मिला था, जब हमने नेट प्रैक्टिस देखी थी टीम की तो युजवेंद्र चहल ने फुल नेट प्रैक्टिस, जो कंपलसरी नेट प्रैक्टिस सेशन था उसमें हिस्सा लिया था, खूब बातें भी कर रहे थे राहुल द्रविड़ के साथ, रोहित शर्मा के साथ, टिप्स शेयर करना, टप्पा कैसे होना है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बॉल आई थी युजवेंद्र चहल की नेट्स में जिसमें उन्होंने विराट कोहली को बोल्ड कर दिया था, उस पर खूब तालियां भी बजी थी यहाँ पर जितने भी फैंस मौजूद थे। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड एंड आई एम श्योर सेम सेंटिमेंट आपके भी होंगे कैफ। देखिए, सबसे बड़ा मैच विनर पाकिस्तान की टीम में इस वक्त करेंट फॉर्म में वो नवाज है। नवाज बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, वो भारत के खिलाफ भी मैच जिता चुके हैं, अभी जब न्यूजीलैंड गए वहां भी बल्लेबाजी से मैच जिताया, तो साफ तौर पे जो मैच विनर है बल्लेबाजी में वो नवाज है। देखिए, बाबर आजम रिजवान जो करते हैं वो ठीक है, पर शमी और जो अश्विन खेल रहा है आज के मैच में वो सिर्फ नवाज के लिए खिलाया जा रहा है कि वो ऑफस्पिन डालते हैं, नवाज के मैचअप हैं, ये रोहित शर्मा का मानना है, मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो लगातार जो आपके प्लेयर खेल रहे हैं, चहल बहुत बड़े गेंदबाज है, बहुत शानदार गेंदबाज है, विकटे मारते हैं,
ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी बाउंड्री होती है, उनको तो और आज़ादी मिलती है बॉल को फ्लाइट करने में, विकटे मारने में, तो वो नहीं खेल रहे। शॉकिंग है, बिल्कुल सही बोला शोएब अख्तर ने। अश्विन क्यों खेल रहे, उसका एक ही रीज़न है, नवाज साहब जो फंसे हैं बीच में, वो फ्लोट करते हैं, वो नंबर चार आते हैं, वो नंबर पाँच आते हैं। जब नवाज आएंगे जो मैशनर हैं, जो तेज़ खेलते हैं, वहाँ अश्विन को दाव खेला है कि भाई अश्विन नवाज को आउट करेंगे, इसलिए मैच आज का खेल रहे हैं। पर मैं सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। बहुत बड़ा दाव खेला है रोहित शर्मा ने, टीम मैनेजमेंट ने आर अश्विन को इस प्लेइंग 11 में जगह देके। शोएब, आर अश्विन का इंडियन टीम की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, वो भी वही खिलाड़ी हैं जिनके लिए दरअसल ज्यादातर मीम्स बनाए जाते हैं कि आप सिर्फ टीम के साथ ट्रैवल करने के लिए हैं, आपको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती। आज देखिए, रोहित शर्मा ने, राहुल द्रविड़ ने जगह दी तो कहां दी, इंडिया पाकिस्तान मैच में दी, सबकी उम्मीदों के विपरीत दी। लेकिन उनके तजर्बे पे, उनके ग्रेट क्रिकेटर होने पे कोई शक ना था ना हो, ये तो बात फैक्ट है। लेकिन अब ये देखना है कि आज के दिन वो करते क्या भाईजान, ये बड़ा मसला है ना कि आज वो करेंगे क्या। अगर वो कर जाते हैं तो रोहित शर्मा की खैर है, अगर नहीं करते और मार पड़ती है तो आई रियली फील सॉरी फॉर कैप्टन। मैं आपको बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों से गुजरा हुआ, मैंने कप्तानों को देखा हुआ है मरते हुए, प्रेशर में आते हुए। तो आई थिंक अ लॉट कैन गो रॉन्ग फॉर रोहित शर्मा। आई रियली थिंक दैट यू नो कि जो डिसीजन ने किए हों, डिसीजन किए होंगे बेटा, जो डिसीजन किए हों वो ठीक साबित हो जाए, बट इट्स लाइक एज यूजुअल। बिल्कुल, और एक नहीं दो दो ऐसे फैसले आज हमें सुनने को मिले हैं, देखने को मिले हैं टॉस के चलते, जिन पर शोएब कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को जस्टिफाई करना होगा अगर वो फैसले उनके हक में नहीं जाते हैं। तो पहला ये कि टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी नहीं, गेंदबाजी यानी कि फील्डिंग करने का फैसला लिया और एक स्लाइट एडवांटेज कहीं ना कहीं दे बैठे हैं पाकिस्तान को, लेवल प्लेइंग फील्ड दे बैठे हैं पाकिस्तान को। और दूसरा है कि किस बेसिस पर आर अश्विन आज प्लेइंग 11 में है, युजवेंद्र चहल ये मैच बाहर बैठकर देखने वाले हैं। शोएब, इस चर्चा को कंटिन्यू करते हैं, हमने पाकिस्तानी टीम की बात की और मैंने आपको बताया कि नेट्स में शान मसूद को चोट लगी थी। आपने जिक्र किया कि यही नहीं पता कि ये सारे जो हैं हमारे प्लेइंग 11 ये फिट हैं या नहीं हैं, क्या इनके अलावा भी आपको किसी की फिटनेस पर आपको डाउट है? नहीं, फिटनेस तो आज चेक हो जाएगी ना, आज सबकी फिटनेस चेक हो जाएगी। जब हाई प्रेशर गेम होता है ना तो सबकी पिया पांचा एक हो जाता है, तो फिटनेस तो चेक होगी। अश्विन हो या शामी हो या शान मसूद हो या वो नवाज हो या इफ्तिखार हो, कोई भी हो, तो आज तो पीछा तो पड़ जाएगा। तो मेरा तो ये मानना है कि हाई प्रेशर गेम में जितना जोर आपका आम मैचेस में लगता है उससे डबल जोर इस मैच में लग जाता है। तो ये तो आज आपको तो आप इसकी बात की, आप खातर जमा रखिए, आप इस बात की परवाह ना कीजिए कि जोर लगेगा, जोर ऐसा लगेगा कि कमाल लगेगा। लेकिन कौन क्या करने वाला है, किसका डिसीजन ठीक था किसका गलत था, ये एंड ऑफ द डे आपके पास चल जाना है। मुझे लगता है कि ये कुछ आई डोंट नो कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही फॉर रोहित शर्मा, आई डोंट नो व्हाई। चलिए सीधा चलते हैं आप एक बार फिर से मोहम्मद कैफ के पास जो हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, और कैफ आपके पास पूरी लिस्ट है इंडिया के प्लेइंग 11 की, एक एक खिलाड़ी की स्ट्रेंथ और वीकनेस जो आपको नजर आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्यों उन्हें जगह मिली है प्लेइंग 11 पे, ओवर टू यू। देखिए अभी भी टीम बहुत मजबूत है, अगर मैं बात करूँ रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा अटैकिंग बल्लेबाज है, तेज खेलते, बहुत तजुर्बा है, और केएल राहुल भी वही काम कर सकते हैं, पर जब पाकिस्तान के खिलाफ केएल राहुल खेलते तो उनका बैट नहीं चलता। तो आज के मैच में केएल राहुल पे खास तौर पे ज़्यादा दबाव होगा क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला चल नहीं रहा। फॉर्म है, एक्सपीरियंस है, अच्छा खेलते हैं, विराट कोहली का फॉर्म वापस आ गया, खुशी की बात है, इनको खेलना पसंद है अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं, इनके ऊपर काफ़ी निगाहें होंगी आज के मैच में। विराट कोहली द चेस मास्टर, वो आज दिखेंगे आपको इस मैच में। सूर्यकुमार यादव गेम चेंजिंग पारी खेलते हैं, पहली बॉल से अटैकिंग शॉट मारते हैं, बीच के ओवर्स में लगातार स्कोर कर सकते हैं, फॉर्म इनके पास और एक्स फैक्टर भी इनके पास। उसके बाद हैं हार्दिक पांड्या द ऑलराउंडर, ये ऐसे प्लेयर हैं जो बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। पिछला मैच जब आप एशिया कप में आपने देखा था, वहाँ लास्ट ओवर में छक्का मारा था हार्दिक पांड्या ने, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे, ये बहुत बड़ी कड़ी है भारत के लिए। उसके बाद ये फिनिशर है, इनको सिर्फ 5-6 बॉल खेलने को मिलती है आजकल, पर अपना काम कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक बाद में आके का छक्का चौका मार रहे हैं, ये सही सिलेक्शन है। दिक्कत शायद आपको यहाँ मिल सकती है गेंदबाजी में, अक्षर पटेल, अश्विन, भुवनेश कुमार,
मोहम्मद शमी, अर्शदीप, यहाँ थोड़ा सा तजुर्बा कम है जहाँ हम बात करते हैं डेथ बॉलिंग की, इन फॉर्म गेंदबाज की। मोहम्मद शमी और अश्विन तो मैचेस भी खेले नहीं, लगातार नहीं खेल रहे, आउट ऑफ रिदम लग रहे, पर जो अच्छी बात है तजुर्बा बहुत है, अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं। अश्विन को आप कहीं बॉलिंग कराइए, पावर प्ले में नया बॉलर के साथ बहुत शानदार गेंदबाज हैं। आपको अक्षर पटेल मिले हैं जो कहीं भी गेंदबाजी कर सकते हैं, पावर प्ले में भी और डेथ ओवर से भी यॉर्कर मारना इनको आता है। उसके बाद भुवनेश कुमार जो नया बॉल से विकेट मारते, आज के दिन इनका बहुत बड़ा रोल है भुवनेश्वर कुमार का। अगर ये नया बॉल इनको मिली और बाबर आजम को आउट कर गए जो बाउंसर पे आउट किया था एशिया कप में, वो इनके पास एक्स फैक्टर है। नया बॉल के साथ अच्छे गेंदबाज हैं और मोहम्मद शमी ये IPL जिता के ला रहे हैं अपनी टीम को, गुजरात टाइटंस को मैच टाइटल जिताया था। नया बॉल के बहुत अच्छे गेंदबाज मोहम्मद शमी, अर्शदीप जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, ये भी इनका भी रोल बहुत है, पर तजुर्बा कम है इनके पास, तो देखना होगा आज कैसे गेंदबाजी करते हैं। पर ओवरऑल फिर भी ये बहुत बैलेंस साइड है भारत की। क्या ये एक्सपीरियंस वर्सेस यंग होने की लड़ाई में एक बार फिर से आर अश्विन को मौका मिला है, ये सवाल जरूर रहेगा, और कितने कारगर साबित होंगे आर अश्विन जिन्हें आज ये मौका दिया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रखी गई है। अब पाकिस्तान के प्लेइंग 11 भी कैफ के पास आ गए हैं हमारी बड़ी LED स्क्रीन पर। कैफ, पाकिस्तानी टीम के बारे में बताइए। देखिए, इनकी जो ताकत है वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, दोनों ओपनर लगातार स्कोर करते हैं, आउट नहीं होते, थोड़ा स्लो खेलते हैं, पर ये ओपनिंग स्टार्ट देना जानते हैं। बाबर आजम, रिजवान, ये दो मेन कड़ी हैं पाकिस्तान टीम के। बैटिंग की बात करें तो ये दो को अगर आपने पहले आउट किया तो फिर भारत दबाव बनाएगा। उसके बाद शान मसूद, हैदर अली, इफ्तिकार अहमद, ये तीन बल्लेबाज को प्रूव करना, अभी मैच विनर बने नहीं हैं, लगातार खेल रहे हैं पर इन्होंने मैचेस अभी इतने लगातार जिताए नहीं हैं, ये कमज़ोर कड़ी बन सकते हैं पाकिस्तान की। जहां मिडिल ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं वहां दिक्कत आ सकती है। आसिफ अली अच्छे प्लेयर हैं, ये डेथ स्पेशलिस्ट हैं, आके बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं, ये अच्छे बल्लेबाज हैं। और जो इनका जो मेन प्लेयर है वो बता दूं मैं आपको, वो है मोहम्मद नवाज़। ये लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं, विकटें मारते हैं और आके बल्लेबाजी करते हैं फ्लोटर के रूप में, नंबर 4 भी आते हैं, नंबर 5 भी आते हैं और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार शॉट मारते हैं। ये है इनके जो मेन कड़ी हैं पाकिस्तान टीम के, वो मोहम्मद नवाज़ हैं। शादाब लेग स्पिन करते हैं, ये अच्छे गेंदबाज और बैटिंग में भी ऊपर आते हैं, इनको भी फ्लोट कराते हैं पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट, इनको ऊपर भेजती कभी कभी बल्लेबाजी में। नसीम शाह, ये जो इनके तीन तेज गेंदबाज, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ, ये तीन बहुत शानदार गेंदबाज, रफ्तार है इनके पास, स्विंग है इनके पास। तीन जो प्लेयर मैंने जो बाद में बताया, शोएब बताएंगे इसके बारे में ज़्यादा, शोएब अख्तर, हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हो रही, नसीम शाह, ये तीन गेंदबाज आज के मैच में भारत को दिक्कत दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं, 12 ओवर करेंगी ये तीनों। अब आप खुद सोच लें, 12 ओवर इन तीनों ने करने हैं। जब ये 12 ओवर करते हैं तो फिर एक तो लास्ट में हारिस रोफ करता है और शाहीन भी लास्ट में करता है, मोस्ट लाइकली अब हारिस ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पुराने बॉल की। लेकिन नया बॉल जो बहुत खतरनाक तरीके से करते हैं वो शाहीन शाह और नसीम शाह हैं। ये दोनों एक ही इलाके के हैं, पिशावर के हैं, दोनों पठान हैं। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर की बात देखी जाए तो वो टॉप ऑर्डर तो मैं मजबूत लगता है, लेकिन मैंने बार बार ये कहा है कि मिडिल ऑर्डर से बेहतर लोअर मिडिल ऑर्डर अच्छा लग रहा है, जहाँ पे नवाज और जहाँ पे आपने निशानदेही की है शादाब, ये आपको फिर रन ऑफ द मिल में, आपको बिगर लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में आपको ये फायदा दे जाते हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।